सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक और सोलो कॉन्करर की जानदार शानदार रैंक पुशिंग गेम प्ले वीडियो में। एंड मेरे भाई, आज वाली वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को रिपल बिग डे की हार्दिक शुभकामनाएं। अब यार, यहाँ पर बात करते हैं आज वाली वीडियो की। अब इस वाली वीडियो में दो गेम प्ले रहने वाले हैं। एंड भाई, दोनों दोनों गेम प्ले में तुम्हारे भाई ने खतरनाक लेवल की दवाई मचाई थी, तुमको बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। तो यार, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। अब यार, यहाँ पर बात करते हैं अपने फर्स्ट वाले गेम की। इस वाले गेम में मैं उतरा था इवेंट पे और यहाँ पर मैं 5 किल तो कर देता हूँ। अब इवेंट पे सिर्फ एक ही बंदा बचा था, अब इस बंदे से मेरे को फाइट लेनी थी। और भाई, यहाँ पर ये बंदा हमको किल कर देता है, बट कोई ना। उसके बाद तो यहाँ पर मेरे को मिल जाती है फ्लेयर गन। जैसे यहाँ पर मैं फ्लेयर गन लूटने के लिए जाता हूँ, तब यहाँ पर मेरे को एक लैम्बो का साउंड आता है। और भाई, यहाँ पर मेरी फ्लेयर गन पे इधर तीन तीन बंदे आ जाते हैं। जो बंदा पहले आया तो वो तो इधर से निकल लेता है, लेकिन यार यहाँ पर दो बंदे और थे। अब यार, जैसे यहाँ पर मैं एक बंदे को फिनिश करता हूँ, जो बंदा यहाँ पर नीचे था वो अपना सब्सक्राइबर होता है, देखो क्या बोलता है। हेलो टीम अप ब्रो, टीम अप। आई पुश कॉन्क्वेरर ब्रो, यू टॉप ग्लोबल रॉयल टू ओपी। आई एम योर फैंस, कैन यू डोंट किल मी, आई वांट टू लूट। यू गो प्लीज, यू गो, यू गो। अब यार, यहाँ पर ये वाले भाई बोलते हैं कि तुम इधर से चले जाओ, मेरे को इधर लूट करनी है, तो भाई मैं इधर से निकल लेता हूँ। बाय, थैंक यू, थैंक यू। अब यार, यहाँ पर मैं उसके बाद तो बंदे ढूंढ ही रहा था, तभी मेरे को यहाँ पर ये वाले कंपाउंड पे एक गाड़ी लगी हुई दिखती है। और मेरे को मालूम था इधर कोई ना कोई बंदा तो कैंप कर ही रहा होगा। अब यहाँ पर आके मैं होल्ड करता हूँ, बट ये बंदा बिल्कुल भी फुटस्टेप दे नहीं रहा था। एंड यार, यहाँ पर अपने पास में था घोड़ा सा। एंड भाई, यहाँ पर मेरे को इस बंदे की लोकेशन जाननी थी, तो देखो किस तरीके से इस बंदे की लोकेशन को जानते हैं। अब यार, यहाँ पर मेरे को इस बंदे की लोकेशन तो पता पड़ गई थी। जैसे यहाँ पर मैं इस बंदे पे मॉली करता हूँ, ये बंदा नीचे जंप कर देता है। अब यार, यहाँ पर मेरी इस वाले भाई से थोड़ी लंबी फाइट चलती है, बट जैसे तैसे करके मैं इस बंदे को तो फिनिश कर देता हूँ। उसके बाद तो यहाँ पर मैं इस बंदे की करेट लूट ही रहा था, तभी मेरे को इधर एक बग्गी का साउंड आता है। और भाई, यहाँ पर ये बंदा ऑलरेडी डैमेज होकर आ रहा था। इस बंदे को एक आधी हेड लगता है और ये बंदा यहाँ पर किल हो जाता है। उसके बाद तो यहाँ पर मैं लूट कर ही रहा था, तभी मेरे को एक और बग्गी का साउंड आता है। एंड यार, यहाँ पर इस वाले भाई को भी इजीली किल कर देते हैं। उसके बाद तो नेक्स्ट सर्कल जो था वो इधर था नहीं, एंड फिलहाल के लिए मेरे को सर्कल में जाना था।
और भाई जैसे ही यहाँ पर मैं सर्कल में आता हूँ बिल्कुल मरते मरते बचता हूँ, बट जैसे तैसे करके यहाँ पर मैं सर्वाइव तो कर लेता हूँ। उसके बाद तो यहाँ पर नेक्स्ट सर्कल जो था वो अगेन मेरे से शिफ्ट हो चुका था, एंड फिलहाल के लिए मेरे को दोबारा से सर्कल में जाना था। और भाई यहाँ पर सर्कल में आने के बाद मैं बिल्कुल दोबारा से मरते मरते बचता हूँ, बट यहाँ पर भी मैं बच जाता हूँ। उसके बाद तो यहाँ पर मेरे को छोड़कर दो बंदे और बचे थे, जिसमें कि यार यहाँ पर एक बंदा मेरे को स्पॉट कर लेता है एंड ये बंदा यहाँ पर हमको किल कर देता है। यहाँ पर इस वाले गेम से मेरे को 17 का अच्छा खासा प्लस मिल चुका था। बाकी तो बढ़ते हैं अपने सेकेंड गेम की तरफ। अब यार यहाँ पर इस वाले गेम की एंडिंग तुम लोग बिल्कुल भी स्किप मत करना भाई, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस रहने वाली है। फिलहाल यार यहाँ पर तुमको ये वाला स्प्रे कैसा लगा एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभी के लिए मेरे को सर्कल में जाना था। अब यार यहाँ पर मैं सर्कल में काफ़ी देर तक बग्गी घुमाता हूँ, मेरे को कोई भी जगह सही लग नहीं रही थी, बट एट द एंड ये वाला कंपाउंड मेरे को खाली मिल जाता है। फिलहाल जैसे ही यहाँ पर मैं होल्ड कर रहा होता हूँ तब इधर एक यूएस की रोटेशन आती है। अब यार यहाँ पर इस यूएस वाले बंदे को मैंने किल करा ही था, तब यार यहाँ पर एक और कूप वाला बंदा मेरे पे रस करने के लिए आ जाता है। अब यार यहाँ पर यह बंदा अपने को एक भी बुलेट कनेक्ट कर नहीं पाता है। उसके बाद तो नेक्स्ट सर्कल जो था वो अगेन मेरे से शिफ्ट हो चुका था, एंड फिलहाल के लिए मेरे को दोबारा से सर्कल में जाना था। अब यार यहाँ पर सर्कल में आने में तो अपने को कोई दिक्कत होती नहीं है, सर्कल में तो मैं इजीली आ जाता हूँ। उसके बाद तो यहाँ पर मैं बंदे स्पॉट करने की ट्राई कर रहा था, तभी यार यहाँ पर मेरे को सामने साइड में एक बंदा स्पॉट होता है। एंड यार यहाँ पर इस वाले भाई को भी मैं किल कर देता हूँ। उसके बाद तो मैं सोचता हूँ अपनी बग्गी लेकर मेरे को भी सर्कल में जाना चाहिए, बट मेरे को पता नहीं था कि भाई यहाँ पर मेरी बग्गी पे एक और बंदा कैंप कर रहा है। अब यार यहाँ पर मेरे को भी नहीं पता भाई मैंने सर्वाइव कैसे करा, बट जैसे तैसे करके वहाँ पर मैं सर्वाइव कर लेता हूँ। उसके बाद तो मेरे को सर्कल में आना था, एंड भाई यहाँ पर सर्कल में आने के बाद ये वाली जगह मेरे को सही मिल जाती है। बट भाई वहाँ पर सर्कल होता नहीं है, एंड फिलहाल मेरे को सर्कल में आना था। एंड भाई जैसे यहाँ पर मैं सर्कल में आता हूँ एक बंदा मेरे को स्पॉट होता है, इस बंदे को तो यहाँ पर मैं किल कर देता हूँ। अभी के लिए यहाँ पर 1v1v1 की सिचुएशन थी। अब यार यहाँ पर इस वाले भाई से हमारी क्या ही फाइट होती है, इस वाले भाई ने भी काफी अच्छा खेला, बट जैसे तैसे करके हम इस बंदे को भी यहाँ पर किल कर देते हैं। उसके बाद तो यहाँ पर 1v1 की सिचुएशन थी। अब यार यहाँ पर एक पल के लिए तो मेरे को लगा था कि ये बंदा इधर टीम अप कर रहा है, और मैंने यहाँ पर फायरिंग करने भी छोड़ दी थी, बट ये बंदा स्पाइडरमैन वन के ऊपर जाने की ट्राई कर रहा था और इसको हमेशा हमेशा के लिए ऊपर पहुंचा देते हैं। फिलहाल तो बस यही था आज वाली वीडियो में, कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।